हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं वंदना सोनम आपको साइको की जानकारी देने के लिए आई हूँ, एलपी साइको की। अभी सीबीटी 2 का एग्जाम हो चुका है और अब एक टेस्ट देना बाकी है, वो है साइको टेस्ट। चलिए मैं आपका समय बर्बाद ना करते हुए साइको के बारे में जानकारी देना चाहूंगी। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए सबसे पहले जानते हैं साइको क्या है। साइको वह टेस्ट है जिसके द्वारा आपकी एबिलिटी को जांचा जाता है, आप कितने प्रिपेयर हैं अपनी ड्यूटी के लिए, यह इस साइको के द्वारा जांचा जाता है। चलिए सबसे पहले हम लोग अब इसकी सिलेबस को थोड़ा ध्यान रखते हुए देखते हैं क्या क्या सिलेबस आते हैं इसमें। इसमें 5 तरह के टेस्ट लिए जाते हैं, जिसमें पहला है आपका मेमोरी टेस्ट, दूसरा होगा टेबल या फिर ब्लॉक टेस्ट, तीसरा है ब्रिक्स और फिर क्यूब टेस्ट, चौथा है यस और नो टेस्ट, पांचवा फाइंड 6 और फाइंड 9। क्लॉक टेस्ट और टेबल टेस्ट, अगर क्लॉक टेस्ट पूछा जाएगा तो टेबल टेस्ट नहीं पूछा जाएगा, टेबल टेस्ट पूछा जाएगा तो क्लॉक टेस्ट नहीं पूछा जाएगा। मेमोरी में भी कई तरह के मेमोरी आते हैं टेस्ट, जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी टेस्ट के बारे में। इसमें 2-3 तरह के होते हैं, जैसे फिगर 2 नंबर, फिर नंबर 2 फिगर, लाइक दिस आपके पास बहुत सारे टेस्ट आएंगे जो मैं बताऊंगी कैसे कैसे आते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है ध्यान में रखने की, वो है ये मेमोरी और टेबल क्लॉक टेस्ट। इस दोनों टेस्ट में सबसे पहले हमें यह प्रयास करना है कि यहाँ हम गलतियां ना करें, आप बनाए कम लेकिन गलतियां नहीं करें। इस दो टेस्ट में आप अगर गलती करते हैं, इसका मतलब है कि एक गलती का मतलब है आपने एक एक्सीडेंट कर दिया। सो यहाँ पे आपको कोई मिस्टेक नहीं करना है। इधर अगर एक दो गलतियां हो भी जाती है तो उसको एक्सक्यूज किया जाता है, लेकिन इधर कोई एक्सक्यूज का ऑप्शन नहीं है। सो आप लोग इस जगह केयरफुल रहेंगे। इसके बाद पहले ब्रिक्स पूछा जाता था, लेकिन अब पिछले बार जो एग्जामिनेशन हुए उसमें एक नया सिलेबस डाला गया, वो है क्यूब, वो भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। चौथा जो ऑप्शन है वो आपका है यस और नो, और साथ में एक पांचवा जो ऑप्शन है पहले पूछा जाए उसमें भी एक चेंजिंग किया गया। पिछले एग्जामिनेशन में पहले फाइंड 6 पूछा जाता था, लेकिन अभी एक सिलेबस जो पिछले बार एग्जामिनेशन हुआ उसमें मैंने देखा कि फाइंड 9 भी पूछा जा रहा है। तो मैं आपको इसके बारे में भी पूरी जानकारी दूंगी, सारे सिलेबस एक और एक करके मैं आपके सामने लाने का प्रयास करूंगी ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सके। सो नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग जानेंगे मेमोरी टेस्ट के बारे में। फिर से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।